Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। गाइस, एक चीज़ हमने शुरू की थी, जिद है तो जिद है, और आप लोगों ने इसे इतना प्रमोट किया तो आज ये इंडिया की एक गाइडलाइन बन चुकी है हर बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिद है तो जिद है। और हमने इसको टी शर्ट पे, आप ये जो मैसेज मेरा है, हमने इसको टी शर्ट पे दिया है। आप यहाँ पे टी शर्ट देख पा रहे हैं, जो विनर हैं उनको टी शर्ट मिल जाएगा। और अभी क्या है कि टेस्टबुक पास के साथ हम ये टी शर्ट दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जो, हालांकि सोचना बड़ा है मेरा, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो भी टेस्टबुक से पढ़ाई करता है उसके पास ये टी शर्ट होनी चाहिए। इट्स सिंबल, ये सिंबल है कि जिद हमने किया है एक चीज़ लक्ष्य प्राप्ति करने का, और जिद हम लाइफ टाइम करते रहेंगे, है ना। तो कृपया आप लोग इसमें सहयोग करें और पूरे इंडिया में इसे प्रमोट करें, जिद है तो जिद है। तो गाइस, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से जुड़कर और आप लोगों से मोटिवेट होकर। आप लोग बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं हमें, आपके पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट, जैसे ऑनलाइन फॉरम यहाँ पे हैं अभी दिख रहे हैं कमेंट इनके, तो आपके पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट दोनों कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम क्या अच्छा और कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट आते हैं तो हमें मालूम है कि शायद हमने कुछ गलती की होगी, और पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा प्रयास थोड़ा सफल हो रहा है। चलिए गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो ये आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। इट्स मोटिवेशनल कोट, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कभी ना कभी फेल हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग भी हैं जो कभी अपने लेक्चर्स में फेल हो जाते हैं, कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो देखें यहां पर, व्हेन इट रेन्स लुक फॉर रेनबोज एंड व्हेन इट डार्क लुक फॉर स्टार्स। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जब बरसात हो रही है तो रेनबो को देखना है, और जब अंधेरा होता है तो स्टार को देखना है। ये सोच हमारी है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमने कुछ गलत किया, तो क्या ये जो टाइम है कभी खत्म नहीं हो गया? ये रात तो कभी बीतेगी और ये सुबह तो कभी आएगी, है ना। तो अच्छा टाइम जरूर आएगा अगर हमने सच्चे दिल से मेहनत की है। तो हम एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, लेकिन हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में है, हमारे कलम में है, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। तो हम आज से प्रॉमिस करते हैं, हम आज से प्रॉमिस करते हैं कि जो कल हमने नहीं किया वो हम आज से शुरू करेंगे। और इस प्रॉमिस में आप लोग का प्रॉमिस ज्यादा बड़ा होना चाहिए। खुद से प्रॉमिस करिए, मुझसे प्रॉमिस करिए कि जो चीज़ आप अगर कल तक 10 घंटे पढ़ लेते हैं, आप 12 घंटे पढ़ोगे, आप 14 घंटे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे। जिद है तो जिद है। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है देखिए, मुंबई खेल पत्रकार संघ पुरस्कार समारोह में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? Who was awarded as the best sports person of the year award at the annual Sports Journalist Association of Mumbai award function? और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड कहां पर? एनुअल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई अवार्ड फंक्शन। तो यहां पर आपको आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? और इसका आंसर क्या होगा? यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, और सही आंसर क्या है? सही आंसर है राहुल अवारे। कंप्यूटर जी प्लीज आगे बढ़े। देखिए, राहुल अवारे की बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये रेसलर हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको रखनी है कि रेसलर हैं। और इसके बाद क्या बोला गया है, द अवार्ड फंक्शन वॉज स्पॉन्सर्ड बाई स्टार स्पोर्ट्स। तो ये दो पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ये रेसलर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये अवार्ड फंक्शन स्टार स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर बात क्या हो रही है, विच स्टेट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर UNFAO फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड बिकॉज इट प्रैक्टिसेस 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य को 100% जैविक खेती घोषित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र FO भविष्य नीति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है, और आपको इसका आंसर देना है। बड़ी अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड का ये पहला स्टेट है जिसे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए चुना गया है, और 2015 में ये डिक्लेयर हो गया था। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिक्किम। वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू गाइस रियली रॉक स्टार्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो कंप्यूटर जी ने आपको यहां पर इंफॉर्मेशन भी दिखा दी है। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल थर्ड पॉइंट आएंगे तो उसमें क्या दिया है, इन 2015 सिक्किम जो है ये अनाउंस हो गया था कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है पूरी तरफ से। ठीक है, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है कि यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेशन किया है। तो सारे पॉइंट आपको पता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात आपसे करने जा रहे हैं। चलिए अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ काठमांडू बेस्ड नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए किस इंडियन बैंक ने काठमांडू के नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मतलब जो हमारा इंडियन बैंक है ये काठमांडू के जो नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट है वहां के जो पर्सनल्स हैं जो वहां पे एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेन करेगा इन HR। और यहां पर आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक स्लाइड आएगी जहां पर आपको हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाए, थोड़े से देख लीजिए। तो यहां पर देखिए ये MOU 3 साल का है, ये भी आपको लर्न करना है। थर्ड पॉइंट में 3 साल आपको येलो में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, वही सब सेम चीजें हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक मतलब वहां का जो नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट है तो 3 साल के लिए उनके पर्सनल को यहाँ पर ट्रेनिंग देगा, एजुकेशन देगा, ये सारी बातें हैं। तो इतना तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, 3 ईयर्स आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए यहाँ पर, द पाकिस्तान आर्मी अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चीफ ऑफ ISI। तो पाकिस्तान सेना ने ISI के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जिस तरह हमारे यहाँ रॉ है वैसे वहाँ पर ISI, आपको ये पता ही है। तो जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। क्या इसका आंसर हो सकता है यहां पर? और गाइस अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को हम इससे जोड़ पाए और सबका साथ सबका विकास यहां पर हो। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असीम मुनीर। तो असीम मुनीर की बात करें तो देखिए कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर है, द पाकिस्तान आर्मी अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर एज द न्यू चीफ ऑफ द पाकिस्तान पावरफुल स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है, ISI। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी में, इनको अपॉइंट किया गया है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जो बेस्ड है हमारा स्पोर्ट्स पर। और सॉरी, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एशियन पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताइए कि एशियन पैरा गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं। चलिए, हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा खेलों में तीर अंदाजी में कौन सा मेडल जीता? यानी कि हरविंदर सिंह जो हैं ये तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि ये तीरंदाजी आर्चरी से हैं और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है आपके एशियन पैरा गेम्स में, ये आपको बताना है। और यहां पर आंसर आ रहे हैं, यहां पर बच्चे बोल रहे हैं क्या गोल्ड मेडल, तो क्या गोल्ड मेडल इज राइट आंसर? तो कंप्यूटर जी आपको स्लाइड दिखाएंगे जहां पर आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दिख रही होगी। देखिए तो हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, ये जकार्ता में हो रहा है गेम, ठीक है, ये आपको पता ही था। इन्होंने चाइनीज जाओ लिग्जू को हराया, ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और पांचवें दिन कंट्री ने इंडिया ने 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आराम से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आराम से। द रिपोर्ट नेम स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया, रिपोर्ट का नाम सुन लीजिए आप, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया रिलीज्ड ऑन October 9 वॉज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड विच एंटिटी, ठीक है। तो बोला क्या गया कि 9 अक्टूबर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और किसके द्वारा एक संयुक्त रूप से भारत में वन अग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की रिपोर्ट जारी की गई है। तो इंडिया में जो हमारे जंगलों में आग लग जाती है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए कैसे रोकें इसे, तो किसके साथ यहाँ पर किसने रिपोर्ट निकाली है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इज राइट आंसर। तो कंप्यूटर जी आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है, देखिए
तो द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है. और द रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस्ड पॉलिसी ऑन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, ठीक है. तो इस रिपोर्ट में जो जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे रोकें, कैसे मैनेज करें हमारे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ये सब इन सब के बारे में कुछ पॉइंट है यहाँ पर. तो हमारा आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक इज राइट आंसर. तो वर्ल्ड बैंक हो गया और डॉक्टर हर्षवर्धन की मिनिस्ट्री यहाँ पर हो गई, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात आपसे हम करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं. देखिए, भारत का पहला भारत इसराइल इनोवेशन सेंटर, जिसे हम IIIC बोल रहे हैं, एक उद्यमी प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है ये आपको बताना है. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिया इसराइल इनोवेशन सेंटर एंड एंटरप्रेन्योरियल टेक्नोलॉजी हब लॉन्च ऑन 10th अक्टूबर 2018 कहाँ पर, ये आपको बताना है. और इसका आंसर क्या होगा, हाँ, हर्षवर्धन जी की मिनिस्ट्री. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पूरे यूनियन कैबिनेट की मिनिस्ट्री और उनका एरिया याद होना चाहिए, ज़रूरी होता है. और यहाँ पर बच्चे आंसर दे रहे हैं मैक्सिम बच्चे. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेंगलुरु. तो बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर है. ये सारे पॉइंट देख लीजिए. देखिए, तो इंडिया का पहला इंडिया इसराइल इनोवेशन सेंटर जो है वो बेंगलुरु में खोला जाएगा. इससे फायदा क्या होगा कि जो इजरायली कंपनीज हैं उनकी इंडिया में एंट्री इजी हो जाएगी और ये इंडियन कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म में इंडिया में काम कर सकती हैं. इंफॉर्मेशन कंप्लीट. हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आपसे. देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 14-15 जनवरी 2019 को आयोजित एक निर्यात केंद्रित वार्षिक FNB व्यापार मेला सिंधु खाद्य द्वितीय कहां होगा. वेयर विल बी इंडियस फूड सेकेंड एंड एक्सपोर्ट फोकस्ड एनुअल FNB का मतलब फूड एंड बेवरेज ट्रेड फेयर हेल्ड ऑन January 14-15, 2019. ये कहां पर ये व्यापार मेला होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि जनवरी में 2019 में होने वाला है. फूड एंड बेवरेज, फूड का मतलब खाना, बेवरेज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ये बेवरेज के सेक्टर में आता है. और इसका आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आ रहे हैं बड़े कम बच्चों के आ रहे हैं. और इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा. तो ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही आंसर है कंप्यूटर जी. देखिए, तो ये जो फूड फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया गया है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है. तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जो हमने आपको दिखाए हैं. और ओवर 600 ग्लोबल बायर्स फ्रॉम नियरली 50 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस खाद्य मेले में, ठीक है. तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये मेला किसने ऑर्गेनाइज, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की. चलिए, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1994 के जासूसी मामले में गलत तरीके से फंसाने के लिए उन्हें किस सरकार से मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए. ये क्वेश्चन हमने कई दिन पहले किया हुआ है, मतलब इस एग्जैक्टली में हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि किस साइंटिस्ट को फंसाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. तो अब वही है कि किस स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो उन्हें 50 लाख रुपए दे रही है. तो फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण वॉज गिवेन ₹50 लाख बाई विच स्टेट गवर्नमेंट, और आपको इसका आंसर देना है. और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, थोड़े धीमे आ रहे हैं. और आंसर यहाँ पे क्या है, इसका आंसर होगा केरला. तो कंप्यूटर जी जरा बच्चों को दिखाएं, जी हाँ, केरला. तो केरला बिल्कुल सही आंसर है. 76 ईयर ओल्ड हैं ये साइंटिस्ट और इनको 50 लाख रुपए केरला गवर्नमेंट दे रही है, दे चुकी है, ठीक है. देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट से बोला था कि 8 वीक का टाइम है, आपने इनको गलत तरीके से फंसाया, तो 8 वीक के अंदर अंदर इनको इनके कंपनसेशन मिल जाना चाहिए. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है. चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं. देखिए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जो हैं वो ताजिकिस्तान की यात्रा पर गए थे, ठीक. तो आपसे पूछा गया कि इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए. याद है ना, इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ कितने MOU साइन हुए थे, अब इंडिया और ताजिकिस्तान के साथ कितने MOU साइन हुए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. और क्या इसका आंसर आप देंगे, चलिए जल्दी मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा. जयेश पनवर, आप भी रॉक स्टार हैं, यहाँ पे सब रॉक स्टार हैं, आप भी रॉक स्टार हैं, ठीक है. और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, बच्चे बोल रहे हैं 9. तो इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में 9 MOU पर साइन हुए हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं. देखिए,
तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं, ये 3 डे की विजिट पे गए थे, 3 डे विजिट। ये भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना है, हमने देखा है कि हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कितने दिन की यात्रा पे गए थे, तो याद कर लीजिएगा 3 डे यात्रा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला गया है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, यहां पे देखिए मिस्टर इमोली रहमान, तो इनसे इनकी मुलाकात हुई और इंडिया और इनके बीच में, इन कंट्री के बीच में 9 एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जो कि बेस्ड है समिट पर। चलिए, अतुल गुप्ता बोल रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं होता, कभी कभी कुछ हेल्प करिए, पढ़ने का मन नहीं होता। हो सकता हो कि आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है तो आपको सपोर्ट मिल जाए, हो सकता है कि आपने सोचा नहीं है कि आपको कहां तक जाना है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या आपको डर नहीं लग रहा है, तो प्लीज डरिए थोड़ा सा। ये डर ऐसी चीज है जो हमसे बहुत कुछ करा लेती है, ठीक है। तो अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो आप डरिए बेटा, पढ़िए, मन लगाइए, मन लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ओल्ड वर्ल्ड थिएटर उत्सव 2018 के 17th एडिशन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ द 17th एडिशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल 2018? और यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा? मैक्सिमम आंसर गुवाहाटी आ रहे हैं, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। कंप्यूटर जी आपको इंफॉर्मेशन भी दिखाएंगे। देखिए, पहली बात कि ये जो थिएटर फेस्टिवल है, ये यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था, यूनेस्को ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया, ये 9 दिन का उत्सव होगा, 9 डे का उत्सव दिल्ली में होगा। और क्या बोला गया कि इस उत्सव में जो स्टार्टिंग होगी, जो नाटक की होगी, वो क्या है? कुटियट्टम है। कुटियट्टम विच इज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिस्ड एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत थिएटर, ठीक है। तो देखो क्या क्या आपको याद रखना है, ये जो आपका फेस्टिवल है ये कहाँ पर होने वाला है? होस्ट दिल्ली में। 9 दिन का ये फेस्ट होगा, और फेस्टिवल की स्टार्टिंग किस उससे ड्रामा से होगी, तो यहाँ पर कुटियट्टम लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी पर बेस्ड है। आपको ये सब पढ़ाया गया होगा ना कि जब इन्फ्लेशन आता है, लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ क्या करती है, या फिर जब डिफ्लेशन आता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिजर्व बैंक अनाउंस इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब पैसा डालेगी आरबीआई हमारे देश में, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी वर्थ रुपीज कितना इन टू द सिस्टम थ्रू परचेस ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे देश में पैसा बढ़े, और पैसा कैसे बढ़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करेगी। और इसका आंसर यहां पर बच्चे दे रहे हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ₹12,000 करोड़, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में, हमारे मार्केट में 12,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट करना चाहती है। और जब ये पैसे मार्केट में आएंगे, बैंकों के पास आएंगे, तो क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ेगी, यानी देश में डेवलपमेंट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहां पर देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 12,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालेगी थ्रू परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेकंड पॉइंट में क्या है कि ये जो सिक्योरिटीज होंगी इनकी मैच्योरिटी 2020 से लेकर 2030 तक होगी, ठीक। चलिए, तो 12,000 करोड़ रुपीज इज राइट आंसर। तुक्का मत मारिए, मत मारिए, याद करिए चीजों को, ठीक है। चलिए, अरे तजाकिस्तान के साथ 9 MOU हुए हैं। मैंने पूछा कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने 14 एग्रीमेंट साइन किए हैं, मैंने ये पूछा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको उसका आंसर देना था। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए तो यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये केवल परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, आपसे इतने डीप में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी मैंने दे दिया यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13 क्वेश्चन की। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन हैज रिसेंटली वॉन द स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द म्यूजिक अकेडमी। मतलब निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने हाल ही में संगीत अकेडमी से विशेष जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन हैज रिसेंटली वॉन द स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द म्यूजिक अकेडमी, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर अभी नहीं आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वीकू विनायक। तो वीकू विनायक जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर है। देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो वीकू विनायक हैं, ये घटम, घटम एक म्यूजिक
म्यूजिक सिस्टम है, ये उसको बजाते हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो चेन्नई तमिलनाडु में मिला है म्यूजिक अकेडमी में, ठीक है। चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर, किस राज्य सरकार ने पीली नीली क्रांति मत्स्य पालन के एकीकृत विकास और प्रबंधन की एक नई योजना शुरू की है। Which state government to launch a new scheme, Blue Revolution Integrated Development and Management of Fisheries? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। घटम, ज्योति गुप्ता जी, घटम एक तरह का वाद्यंत्र है, जैसे होता है गगरा जो होता है, कभी आप नेट पे सर्च करेंगे इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक। और यहां पर आपको आंसर देना है क्या इसका आंसर होगा। मैक्सिम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर है मेघालय। तो मेघालय जो है वो सही आंसर है। यहां पर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेघालय जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको 51 लाख रुपए दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और अंडर द ब्लू रिवॉल्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1000 हेक्टेयर के नए पॉन्ड्स डेवलप करेगी ताकि जो किसान जो वहां पर मछुआरे हैं वो यहां पर मछली का उत्पादन और बढ़ा सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जो आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, किस राज्य जेल विभाग ने महिला कैदियों और खुले जेलों में रहने वाले कैदियों के लिए एक स्मार्ट वीडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की है जिससे ये अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ट्रेसेबल होगा कि आप कहां बात कर रहे हैं। तो विच स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट हैज रोल्ड आउट अ स्मार्ट वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी फॉर फीमेल प्रिजनर्स एंड इनमेट्स लॉज एट ओपन जेल्स? और आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से मुझे बताएं क्या इसका क्वेश्चन होगा। इसके पहले वाले में 51 करोड़ और अब इस क्वेश्चन का आंसर दे जो आपको बताना है क्या हो गया। आज बत्ती गुल लग रही है, आज अंधेरे में तीर मार रहे हैं तुम लोग। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो कंप्यूटर जी बच्चों दिखा जरा, तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी पुणे के यरवडा जेल में इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह देख लिया गया है। पायलट का मतलब होता है कि हम चेक करते हैं क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। तो महाराष्ट्र सही आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं जो बेस्ड है स्पोर्ट्स पर। चलिए, प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन टूर प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the Professional Golfer Association Tour Player of the Year for 2018? और यहां पर पांच ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा। चलिए और मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा और हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर पांच ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, यहां पर इसका सही आंसर है ब्रुक्स कोपेका। ब्रुक्स कोपेका, कंप्यूटर जी दिखाएं, हाँ ब्रुक्स कोपेका सही आंसर है। तो ब्रुक्स कोपेका जो है ये अमेरिकन है और इन्होंने USPGA चैंपियनशिप जीती है इस बार की। 28 साल के ये हैं और इन्हें अवार्ड मिला है PGA टूर प्लेयर ऑफ द ईयर का 2018 के लिए। चलिए ये सब याद करते रहिए, याद नहीं है आप लोगों को सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्रिसस कैपिटल एडवाइजर्स LLP ने पूर्व SBI अध्यक्ष, आपको इनका नाम बताना है, को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये जो क्रिसस कैपिटल एडवाइजर्स हैं ये क्या है, ये एक इक्विटी कंपनी है जो कि आपके जस्ट लाइक कि ये आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन समय इन्वेस्ट करती है। तो बेसिकली पूरा ये फाइनेंशियल कंपनी है और आपको इसका आंसर देना है क्या इसका आंसर होगा। चलिए मुझे बताएं यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं बच्चों के, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य। तो अरुंधति भट्टाचार्य को आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर कंप्यूटर जी ने आपको इन्फॉर्मेशन दिखा भी दी है। देखिए तो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसने भट्टाचार्य जी को एज अ एडवाइजर अपॉइंट किया है। भट्टाचार्य जी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था एज अ PO इन 1977 और ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मोटिवेशन हर तरफ है, तो एक PO, एक किसी बैंक का PO उस बैंक का हेड बन सकता है और बीइंग अ लेडी हेड बनना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की आपके सामने है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम आपने सुना होगा, ने किस राज्य सरकार के साथ MSME के उस राज्य में विकास के विस्तार के लिए पूंजी की उपलब्धता के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं?
मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साइन ए एमओयू विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू ऑफर एक्सेस फॉर कैपिटल टू एमएसएमई टू इनहेंस देयर ग्रोथ इन द स्टेट. मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस स्टेट के जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको पैसा देगा. कैसे देगा मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में. और इसका आंसर क्या है? हाँ, अब आंसर आ रहा है और इसका आंसर है उत्तराखंड. तो कंप्यूटर जी जरा बच्चों को दिखाएं. देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आइए. एमर्ज लिखा है, EMERGE. तो जो एमर्ज है ये एनएससी का प्लेटफॉर्म है जिसमें एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर्ड करके पैसा उठा सकती है मार्केट से. ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एमर्ज. आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एमर्ज जो प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया. ठीक है, तो इससे क्या होगा? उत्तराखंड की जो एमएसएमई है तो इनको फंड रेस करने में हेल्प मिलेगी. हो गया क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की. चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक ने अपने चीफ एचआर ह्यूमन रिसोर्स को के तौर पर किसको नियुक्त किया है ये आपको बताना है. तो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर CHRO की बात यहां पर हो रही है और यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं. सही आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है. देखिए, अगर आप हमारा शो देखने आते हैं तो आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. आप कुछ मत करिए, आप केवल क्वेश्चंस को देखिए और आपको ये सारे पॉइंट के तौर पर देखिए. इसे ये मत देखिए कि आपकी नॉलेज चेक हो रही है. सारे पॉइंट को देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको तुरंत लर्न हो जाएगी. और नोट्स बनाते रहिए, पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा. तो डेली के 30 क्वेश्चन हमको दे रहे हैं और 10 क्वेश्चन स्टैटिक के, अपने आप में पूरा भंडार है. अगर आपने ईमानदारी से किया तो हम हर सेक्शन कवर करते हैं और हमारे जितना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा. सच्चाई है ये, तो इसको मानिए, विश्वास करिए, अच्छा होगा. आंसर क्या है? आंसर इज विनय राजदान. तो विनय राजदान इज राइट आंसर. कंप्यूटर जी ने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखा दी है. तो विनय राजदान जो थे बेटा वो पहले आइडिया सेलुलर के क्या थे? चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थे. तो आइडिया से इन्होंने शिफ्ट किया है एचडीएफसी बैंक में. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई पड़ रही होगी. हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं. और यहां पर देखिए, विश्व मोटापा दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द वर्ल्ड Obesity Day observed all over the world. ये आपको बताना है, क्या इसका आंसर हो सकता है. शुभम मेहता जी, हमारा वीडियो खत्म होने के बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें पीडीएफ की लिंक होगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, आशुतोष कुमार, ये आपको लग रहा है कि ये बैंकिंग से है, कैसे आप ये बोल सकते हो? अभी आप रेलवे ALP और रेलवे ग्रुप डी के करंट अफेयर्स देख लीजिए, क्या उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं? आप ये मत सोचिए, आपको लगता है, ये भ्रम हटा दिए माइंड से. पढ़ाते हम लोग हैं, हम लोगों को मालूम है कैसे क्वेश्चन आते हैं यार. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर. तो 11 अक्टूबर को वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है. यहां पर देख लीजिए, पहली बार वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था. यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, कौन ऑर्गेनाइज करता है ये भी है. थीम देखिए, वेट स्टिग्मा, ये थीम है इस बार की. तो ये सब पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर. चलिए, निम्नलिखित शहरों में से भारत में सबसे बड़ा जीका प्रकोप कहां फैला है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट जीका आउटब्रेक रिपोर्टेड. यहां पर 5 ऑप्शन हमारे सामने हैं, सही आंसर आपको देना है. ये वो शहर है जो कैपिटल है. आप बोलेंगे सर यहां तो सब कैपिटल है, सही आंसर क्या होगा देखते हैं. चलिए आइए और बताएं यहां पर. और यहां पर विराट सिंह का आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है. आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है जयपुर. जी बिल्कुल, जयपुर में अकेले करीब 50 केसेस पकड़े गए हैं, 50 केसेस पकड़े गए हैं. और इसमें सिम्टम क्या है? हाई फीवर, रैश, ज्वाइंट एंड मसल्स पेन. बचिए आप लोग भी जीका वायरस से, है कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, जो आपके सामने यहां पर है. अन्नपूर्णा देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? अन्नपूर्णा देवी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रेनाउट, क्या थी ये आपको बताना है. ये जर्नलिस्ट थी, देखो ये जर्नलिस्ट थी, म्यूजिशियन थी, राइटर थी, सिंगर थी या डांसर थी, ये आपको बताना है. क्या इसका आंसर होगा? जल्दी मुझे बताएं क्या इसका आंसर होने वाला है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. हाँ, घर के पास जयपुर होगा बच्चों, भैया सब बच्चों जानते हो ना. चलो, और इसका आंसर क्या है? बच्चे यहां पर बोल रहे हैं म्यूजिशियन, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है. इसका आंसर है म्यूजिशियन. देखिए,
लेजेंडरी म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया मुंबई में, ये 91 ईयर्स की थी, ठीक है। और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है कि इनकी शादी किससे हुई या किसकी बच्ची थी, है तो इतना डीप में आपसे नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने यहाँ पर देखिए, श्री रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सूचना आयोग के 13वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 13th कन्वेंशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन, और यहां पर हमारे सामने पांच ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश। चलिए मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा जल्दी से। और यहां पर आंसर आ रहे हैं बच्चे बोले न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। एक बार दिखाएं, देखिए तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसके बाद क्या बोला गया है, द कन्वेंशन विल डेलिबरेट ऑन 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इस कन्वेंशन में 3 सब्जेक्ट पर बात होगी। देखिए पहला क्या है, डेटा प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, दूसरा अमेंडमेंट इन द आरटीआई एक्ट, एंड थर्ड पॉइंट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। और नीचे दिया है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बनाया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी गई है, तो सारी इंफॉर्मेशन पढ़िएगा जरूर। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड एग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एग डे जो है ये पूरे दुनिया में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। अभी आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे तो एक बच्चे ने इसका आंसर भी दिया था शुरुआत में। भूपेश कपरी बोल रहे हैं कि सारे इवेंट दिल्ली में होते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, मुझे भी ये लगता था और एक क्वेश्चन आया, मैंने दिल्ली लगा दिया लेकिन मेरा आंसर गलत हो गया था। तो जब बुरा वक्त आता है ना तो आंसर भी चेंज हो जाता है। और इसका आंसर क्या होगा, कविता जी कैसी हैं आप, और इसका आंसर दें यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर आंसर देना है 12 अक्टूबर। कंप्यूटर जी आगे बढ़ें और बच्चों को आंसर दिखाएं। तो 12 अक्टूबर सही आंसर है। तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल एग कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि 2nd फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नई लॉन्च ICC वैश्विक महिला T20 टीम रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन अकॉर्डिंग टू न्यूली लॉन्च्ड ICC ग्लोबल वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग। अगर हम ICC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, आपको यह पता होगा, है ना। इसके CEO कौन है शायद ये भी आपको पता होगा, तो बताएं मुझे क्या इसका आंसर होगा। इंडिया की रैंक कितनी है अभी हमारे ग्लोबल वुमेन्स T20 रैंकिंग में? और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए, बच्चे बोल रहे हैं 5वां, तो क्या 5वीं रैंक इंडिया की है? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर कंप्यूटर जी आपको इसका आंसर दिखाएंगे। और जी हां, इंडिया की रैंक 5वीं है। देख लीजिए दूसरे पे कौन है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे इंग्लैंड है, चौथे पे वेस्ट इंडीज है, और पांचवें पे इंडिया टीम है। तो ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, डेविड रिचर्डसन है। हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई में है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। के जेनिटा एंटो ने जकार्ता में एशियाई पैरा खेलों में गोल्ड मेडल जीता, वो किस खेल से संबंधित है? तो के जेनिटा एंटो क्लिंच द गोल्ड एट द एशियन पैरा गेम्स, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और यहां पर आपके सामने 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। यानी कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो जिन बच्चों के अभी एग्जाम होने वाले हैं मैं बता दे रहा हूं, ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इनके विनर्स के नाम याद कर लीजिए और ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चेस। तो आंसर दिखा कंप्यूटर जी बच्चों को, देखिए तो चेस यहां पर है, देख लीजिए। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगी इंपॉर्टेंट, तो मैंने स्लाइड पर नहीं दिए आपको। हम बुलेट पॉइंट की बात करते हैं, हम सारे पॉइंट की बात नहीं करते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर से शुरू ओमान और यमन में आए चक्रवात का नाम बताएं। नेम द साइक्लोन दैट केम इन ओमान एंड यमन इन स्टार्टिंग अक्टूबर। तो अक्टूबर के स्टार्टिंग से ये धीरे धीरे जो टाइफून है ये पहले कैटेगरी 1 का था और अब ये कैटेगरी 2 में परिवर्तित हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है तूफान। तो आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा वो तूफान है जो ओमान और यमन के बीच में आया है, जल्दी आंसर दें। अतुल गुप्ता जी हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि वीडियो लाइक कर दे गाइस, तो जी हाँ जितने लोग देख रहे हो उतने लोग तो लाइक कर दो यार। अगर पसंद नहीं आया, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना कहां पर दिक्कत आ रही है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लुबान। तो जरा दिखाएं बच्चों को आंसर, देखिए तो आंसर क्या है, लुबान यहां पर दिया गया है। देखो पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दी है, इसकी स्पीड कितनी है और ये पहले कैटेगरी 1 था, अब ये 2 में डेवलप हो रहा है,
सारी इन्फॉर्मेशन बेटा, ठीक है, देख लीजिएगा आराम से। वैसे ऐसे क्वेश्चन में केवल कंट्रीज का नाम याद रखिए, किस कंट्री में आया, कौन सा तूफान आया, बस इतना काफी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की आपके सामने। When is International Day for Disaster Reduction celebrated? आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। कुलदीप भाई, लव यू टू ब्रदर। चलिए और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए और मुझे आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा, बताएं जरा। जी हाँ बिल्कुल, प्रतिभा सिंह का आंसर पहला आ गया है, चिन्मया शर्मा जी हैं यहाँ पर, बहुत लोग बच्चे यहाँ पर हैं। तो 13 अक्टूबर इज राइट आंसर, तो 13 अक्टूबर को लॉक कर दें। देखें देखें देखें, द इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर जो है वो 1989 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 13 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। बोलिए नहीं, अभी 10 क्वेश्चन स्टैटिक के बचे हुए हैं। चलिए, व्यापार और आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत अजरबैजान अंतर सरकारी आयोग की पांचवी बैठक कहां आयोजित की गई थी। वेयर वॉज द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंडिया अजरबैजान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हिल्ट। जगह का नाम आपको बताना है, क्या है इसका आंसर। और यहां पर वीर सिंह का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड फैंटास्टिक, वीर सिंह मुझसे भी तेज है यहां पर। और आंसर क्या होगा तनु जी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है जी, बिल्कुल। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। कंप्यूटर जी जरा आगे बढ़े, देखें तो न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। देखिए ये फिफ्थ मीटिंग है, क्वेश्चन हमेशा घुमाते हैं, तो ये फिफ्थ मीटिंग थी इंडिया अजरबैजान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसके बाद क्या बोला गया है कि बोथ साइड एग्री टू टेक मेजर्स टू इनहेंस ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। इसके बाद अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात आपसे करते हैं। हाँ भूपेश भैया, दिल्ली में होता है, लेकिन बाबू सुनो मेरी बात समझो, जब बुरा वक्त आता है तो वह दिल्ली से मुंबई हो जाता है, कहीं ना कहीं और हो जाता है, ठीक है, तो पूरा पढ़ो अच्छे से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। देखिए शुकेन विश्वल जी, थैंक यू वेरी मच। मोदी, नरेंद्र मोदी जी विल विजिट जापान ऑन 28-29 ऑफ दिस मंथ फॉर द हाउ मैनी नंबर इंडियन जापान एनुअल समिट। भारत जापान के कौन से नंबर के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मोदी जी इस महीने 28-29 तारीख को जापान जाएंगे। विजिटर्स आपको हमेशा लर्न करने होते हैं, इंडिया से कौन जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, और इंडिया में कौन आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, सब आपको लर्न करना होगा। और यहां पर बच्चे बोल रहे हैं 13th, क्या 13th सही आंसर है, तो कंप्यूटर जी जरा बच्चों को दिखाएं, और 13th आंसर बिल्कुल सही है। गाइस एक बात ध्यान देना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आपके लिए यहां पर आया हूं। देखिए तो मोदी जी जो है 28-29 तारीख को 13th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए जापान जा रहे हैं। देखिए दिस विल बी द फिफ्थ एनुअल समिट मीटिंग बिटवीन मोदी जी एंड शिंजो अबे जी, तो पांचवी एनुअल मीटिंग है, पांचवी एनुअल समिट है इनकी आपस में, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया, देखो एंड देयर 12th मीटिंग ओवरऑल, और 12वीं मीटिंग ओवरऑल है, मतलब चाहे इनफॉर्मल की हम बात कर लें 2014 से, और ये सब डेटा याद रखिएगा, डेटा सारे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मीटिंग क्यों हो रही है, ट्रेडिशनल बॉन्ड्स एंड फ्रेंडशिप के लिए, आपको बताया कि वे जापान ने बोला था कि हम स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करेंगे, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम अभी आगे बढ़ेंगे अपने 10 स्टैटिक क्वेश्चन की, लेकिन उसके पहले आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड आएगी हमारे मोटिवेशनल कोट की, और उससे पहले आपको हमारा वीडियो लाइक कर देना है। तो अब आपके सामने आ रहा है हमारा आज का दूसरा मोटिवेशनल कोट, देखिए बड़ा अच्छा कोट है। अ रिवर्स कट थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जो नदी बहती है, नदी जो नदी का वेग होता है ये काफी स्ट्रांग होता है, बड़े से बड़े पहाड़ भी इसके आगे मतलब टिक नहीं पाते हैं। तो नदियां जो हैं वो पहाड़ों को काटती हैं, पत्थरों को काटती हैं, उनके पावर की वजह से नहीं, उनके परसिस्टेंस की वजह से। तो कहा भी गया है ना कि मतलब कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। तो परसिस्टेंस आपके अंदर होना चाहिए, आप किसी चीज से कितनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का मतलब यहां पर करियर से है, तो तुम लोग कुछ अलग मत लेना। तो किसी भी चीज से आप कितने शिद्दत से आप चाहते हैं उस चीज को कि आप उसे पाना चाह रहे हैं कि हाँ ये हमारे, ये हमें सिलेक्शन लेना है, हमें पीओ बनना है, हमें क्लर्क बनना है, या फिर हमें आईएएस बनना है, हमें क्लैट में जाना है, हमें ये चीज करनी है। तो जब भी इसे चाहिए तो पूरी शिद्दत से चाहिए, है ना। तो मेरा जो कोटेशन है उसे बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेना, यहां वहां नहीं, हम यहां पर केवल और केवल करियर की बात कर रहे हैं,
तो अगर नदी पहाड़ में छेद कर सकती है, काट सकती है, तो आप तो इंसान हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो मेरी बातों को समझिएगा और हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन उसके पहले जिद है तो जिद है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? यहां पे नेशनल की बात हो रही है। हाँ, जिसको जहां पे जाना है, बैंक में आना है, इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, जो बनना है वो बनो और उसके लिए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स मारते रहो। ठीक, चलिए चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से। और यहां पर आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और कंप्यूटर जी बच्चों को आंसर दिखा रहे हैं यहां पर, 22 दिसंबर इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लिथुआनिया? लिथुआनिया की करेंसी क्या है, ये आपको बताना है। यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है। वैसे मुझे लगता है कि लिथुआनिया मिडिल ईस्ट का देश है, तो इसकी करेंसी दिनार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है बताएं। चलिए सिमरन जी, इसीलिए हम डेट्स आपको बेटा देते हैं कि आपको सारी चीजें लर्न हो जाएं। और मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा। यहां पे अतुल गुप्ता का आंसर आ गया, बोल रहे दिनार, वेरी गुड फैंटास्टिक। विराट बोल रहे यूरो, रज्जा बोल रहे फ्रैंक, जय सिंह बोल रहे फ्रैंक, क्या इसका आंसर होगा? और इसका आंसर है यूरो। यूरो इज राइट आंसर, यूरो बिल्कुल सही आंसर है। हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात आपसे करते हैं। देखिए, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज सिचुएटेड इन? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया है, और क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अब डिजास्टर कहां पे आते हैं। डिजास्टर बेसिकली आते हैं ऐसी जगहों पे, जैसे जहां खूब पहाड़ियां हो या फिर जहां पे खूब समुद्र हो। तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से वॉशिंगटन होना चाहिए, क्योंकि समुद्र किनारा यहां पर है। और क्या इसका आंसर होगा यह बताएं। पल्लवी बोल रही है जिनेवा, प्रिया बोल रहे हैं फ्रांस पेरिस। ठीक है, और देख लेते हैं यहां पर, और इसका आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कंप्यूटर जी दिखाएं बच्चों को, ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं। आप गलत दे रहे हो आंसर, तो आपने याद नहीं किया अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं आपके सामने। यहां पर द विन्ना लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो विन्ना लेक है वो किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है। अब जो विन्ना की बात करें तो ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि साउथ का होगा, है ना। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में ये हो सकता है थोड़ा सा नाम। चलिए आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा। विन्ना लेक की बात यहाँ पर हो रही है, ये किस स्टेट में है जल्दी से मुझे बताएं। राहुल कुमार जी हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, आंसर दें, आंसर क्या है इसका। और आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज राइट आंसर, महाराष्ट्र में विन्ना लेक है, झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात आपसे हम करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 5, जगरेब इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? जगरेब जो है वो किस देश की राजधानी है? यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि 2-3 कंट्री का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो बताएं मुझे क्या इसका है। वैसे हमें हर देश तो पता है, ये जो पांचवा देश है ना, मोल्डोवा, इसका हो सकता है, बिकॉज ऐसा लग रहा है, मुझे फील आ रहा है ऐसा। अरे मैं कन्फ्यूज करता हूँ, तुम लोग होते क्यों हो, मत हो कन्फ्यूज। आंसर आ रहा है, सही है, आंसर आ रहा है यहाँ पर, और देख लेते हैं कुछ बच्चों का। एंड आंसर इज क्रोशिया इज राइट आंसर गाइस, क्रोशिया सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं आपसे। द मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पॉपुलर हैबिटेंट लोकेटेड इन? सिंपल सा है कि मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण, किस स्टेट में है ये आपको बताना है। चलिए बताएं मुझे क्या इसका आंसर हो सकता है। बताएं सर क्या उसका आंसर होगा, जल्दी मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, मुन्नू द्विवेदी जी हैं, बोल रहे हैं हिट द लाइक बटन, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दे गाइस। कम से कम जितने लोग देख रहे हो उतना लाइक कर दो यार तुम लोग। चलिए बताएं और क्या इसका आंसर होगा यहां पर।
और यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। देखो भैया यहाँ पर कुछ लोग हाई गर्ल्स बोल रहे हैं, देखो ये नवरात्र चल रहा है और जो बच्चियाँ हैं जो फीमेल हैं उनके अंदर अपार शक्ति होती है इस समय, तो ऐसा कोई मत गलत काम करिए कि बच्चियाँ आपको श्राप दे दें, मैं खुद बड़ा जेंटल होता हूँ इस समय, तो ठीक है, तो इसलिए कुछ ऐसी वैसी बातें मत करें, श्राप वाप मिल जाएगा, इससे अच्छा पढ़ें। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रदेश आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, द गुरु डोंगमार लेक, ये तो मैंने पढ़ाया, सिंपल भी है, गुरु डोंगमार जो झील है वो किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है, सही आंसर आपको देना है। अब ये मत बोलना कि ये कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, गुरु डोंगमार तो ये किसके आसपास आ रहा होगा, मेरे ख्याल से ये वेस्ट बंगाल, गुरु डोंगमार बंगाल लग भी रहा है, वो क्या आंसर होगा बताएं मुझे। आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा जल्दी से, गुरु डोंगमार की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बंगाली नाम लग रहा है, सही आंसर क्या होगा, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सिक्किम, सिक्किम इज राइट आंसर, सिक्किम को लॉक कर दें, सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, फिर से देखिए यहाँ पर लेक पर क्वेश्चन है, द ब्लू बर्ड लेक इज लोकेटेड इन, ब्लू बर्ड लेक जो है ये किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। अब जो ब्लू बर्ड, तो चिड़िया नीली कहाँ पाई जाती हैं, आई थिंक ये छत्तीसगढ़, जहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये नहीं है, मतलब हिल स्टेशन टाइप का हो, उधर छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी गोवा, गोवा साइड में होगा मेरे ख्याल से, क्या इसका आंसर होगा, बताएं आंसर, बताएं क्वेश्चन मेरिट का आंसर, बताएं जल्दी से, और इसका आंसर क्या है, ब्लू बर्ड लेक की बात यहां पर हो रही है, और विराट सिंह ठीक है, ठीक है, सही आंसर है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हरियाणा, हरियाणा इज राइट आंसर, हरियाणा को लॉक कर दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, यहां पर आपके सामने है, प्राग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, प्राग किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है, और यहां पर देख लीजिए काफी आपके सामने 5 ऑप्शन है, मैसेडोनिया मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है बताएं मुझे, प्राग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बताएं हमारे सामने 5, अब जल्दी करो, जल्दी करो आंसर, और यहां पर ठीक है विराट सिंह का बढ़िया आंसर है, यहां पर टीटू जी पतंजलि बिल्कुल सही, और यहां पर लगता है आंसर क्या होना चाहिए, आप इतने प्यार से बोलने में मना नहीं कर पाऊंगा, इसका आंसर है चेक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर जी भी आपको दिखा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की बात आपसे हम करने के लिए जा रहे हैं गाइस, हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। मंडे का शेड्यूल जरूर हमारे यूट्यूब के कवर पेज पे देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ मिलेगा वहां पर, ठीक है। मंडे को हम मिलेंगे और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यहाँ पर द मिट्टी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मुझे तो गुजरात लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मिट्टी डैम जो है ये किस स्टेट में है, ये आपको बताना है, मुझे गुजरात लग रहा है, आपको आप क्या लगता है, मिट्टी डैम जो है वो किस स्टेट में है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गुजरात सही है, तो मिट्टी डैम जो है ये गुजरात में है, तो जो बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे थे वो गलत करके चले आए। चलिए तो गाइस देखिए, स्टैटिक जीए क्यों पढ़ाया जाता है, पहले बात को समझिए, हम आपको जब क्वेश्चन कराते हैं कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी, डेज, जो भी कराते हैं, तो अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब आपने उसे याद नहीं किया है। तो गाइस मैं फिर कह रहा हूं कि स्टैटिक जीए बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, आप कोई भी एग्जाम देख लो, तो ये जो चीज है ना, ये आपको पता है कि आपके एग्जाम में आएगा, और अगर आप तब भी याद नहीं कर रहे हो तो आप इसके लिए सीरियस नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा यार, बात लाइफ की हो रही है, तो प्लीज गाइस स्टैटिक जीए पर थोड़ा फोकस करिए, प्लीज एंड प्लीज, ठीक है। और जिद है तो जिद है जी, आपको याद रखना है, और हमारा एक थोड़ा सा मैंने आपसे समर्थन मांगा है कि हमारे इस मैसेज को हर बच्चों तक पहुंचाइए जरूर, ठीक है। तो जिसने पास ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, जो टी शर्ट पाना चाहता है जो इन फ्यूचर, तो वो प्लीज़ इसको देखें, और जो बच्चे हमारे कंटेस्ट में जीत चुके हैं उन्हें टी शर्ट तो मिलनी ही है। ये नया डिज़ाइन गया था विराट सिंह जी, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर है, ये हमने बनाया है, ये टेस्टबुक ने बनाया, ये हमने और आपने मिलकर बनाया, सबसे पहले करंट अफेयर शो में ही ये मैंने बोलना शुरू की थी, और मैं सबसे ज्यादा यहीं पर बोलता भी हूं, तो आपने इसको बिल्ड किया है, ये आपका है, ये पॉइंट आपका है, जिद है तो जिद है ना, तो इसे खूब ज्यादा इसका प्रचार करिए,
मज़ा आने वाला है। तो आज वाकई बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आज मज़ा भी आया, और हम मिलेंगे परसों और कोशिश करेंगे कि ऐसा मज़ा हमें डेली आए, ठीक है। तो गाइस खूब पढ़िए, खूब मतलब इतना पढ़ दीजिए जितना आपने पहले कभी नहीं किया था, ये प्रॉमिस हमने आज किया है। हम इसके आगे और अच्छा करेंगे, हम बेटर करते रहेंगे और एक दिन अपना नाम हम रोशन करेंगे। तो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, खुश रहिए। लाइफ है, गलतियाँ होती हैं, बट हम इंसान हैं। जिद है तो जिद है। गुड नाइट दोस्तों।